नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल इट्स एस वाई फैक्ट पे। तो आप अगर इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक करें। जी हाँ दोस्तों, बालवीर का सीज़न 3 आ चुका है और आप सभी ने बालवीर का दोनों एपिसोड तो देख ही लिया होगा। और अभी तक आपने बालवीर का दोनों एपिसोड नहीं देखा है तो सोनी लिव ऐप पर जाकर के बालवीर 3 के दोनों एपिसोड्स को देख लें। तो बालवीर 3 के जैसा एपिसोड्स में कहा गया था कि पिछले वाले बालवीर को उसमें मार दिया गया है, तो आखिर वो कौन सा बालवीर है जिसे मार दिया गया है एविल्स पावर के द्वारा। जैसा कि बालवीर सीजन 3 में दिखाया गया है कि बालवीर अब एक पोस्ट बन चुका है और जो भी उसके कैपेबल होता है वो बालवीर बन सकता है। तो इसमें आदित्य रणविजय भी कुछ दिनों के लिए बालवीर बने थे और आने वाले एपिसोड्स में आपको ये बैक स्टोरी देखने को मिल सकती है। तो आदित्य रणविजय तो नहीं है जिस बालवीर को मारा गया है, तो फिर कौन हो सकता है वो बालवीर जिसे बालवीर 3 में एविल्स पावर द्वारा मार दिया गया था। तो ऐसा लग रहा है कि वंशयायनी हमें देखने को मिल सकते हैं बैक स्टोरीज़ में, जिन्हें एविल पावर द्वारा मार दिया गया था। तो इस तरह से कह सकते हैं कि वंशयायनी की एंट्री हमें बालवीर सीजन 3 में देखने को मिल सकती है और हो सकता है कि वंशयायनी एक नया रोल में हमें बालवीर 3 में एंट्री करते हुए दिख जाए। और उसके बाद अगर हम बात करें तो बालवीर की जैसी स्टोरी है इसमें बहुत सारी मिस्टेक्स मेकर्स के द्वारा की गई है और बालवीर पूरी तरीके से बदल दिया गया है, पूरी इसकी स्टोरी ही चेंज हो गई है और केवल एक चीज़ ही सेम है, वो है बालवीर और उसका नाम। यहाँ तक कि उसका हर चीज़ बदल गया है, उसका कॉस्ट्यूम हो या फिर परी लोक हो या वीर लोक हो, सब चीज़ चेंज हो गया है। और तौबा तौबा जो कि इस सीज़न में अभी तक तो नहीं दिख रहे हैं लेकिन आगे आने वाले एपिसोड्स में वो हमें दिख सकते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आगे आने वाले सारे अपडेट्स को हम इसी चैनल पे देते रहेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में। तो गुड बाय, अपना ख्याल रखिए, जय हिंद।